नागपुर शहर में ऑडी वन की कार्रवाई के चलते सब्जी भाजी वाले परेशान, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर महिलाओं ने बताया अपना दर्द। कोरोना की महामारी को देखते हुए एनडीएस की टीम नागपुर शहर में जगह जगह कार्रवाई करते नजर आ रही है। ऐसा ही एक आज मामला नंदनवन एरिया के पास हुआ, जहां पर सब्जी भाजी के जो ठेले लगते थे वह लोग एनडीएस की टीम को देखते हुए रफू चक्कर हो गए। उसके बाद हमारी नज़र उन ठेले वाली महिला पर पड़ी, फिर उन्होंने अपनी पूरी दास्ता जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के सामने कह दी। क्या क्या कहा उन सब्जी वाली महिलाओं ने देखिए। उसके बाद हमारी टीम ने एनडीआरएफ के अधिकारी से जानकारी ली तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। कार्रवाई चल रही है और मास्क की कार्रवाई चल रही है। तो कितने लोगों पे भी आज चालान हुआ है सर? अभी हमने स्टार्ट किया, जगह चौक से स्टार्ट किया। ओके, अभी तीन लोग अभी मास्क कार्रवाई में मिले अभी। हाँ, और आड़ी वन में अभी दो लोग मिले हैं। तो कार्रवाई में कितना चालान कट रहा है सर? चालान में अभी सर नोटिस दिए उनको। ओके, नोटिस देने के बाद अगर 5,000 का कार्रवाई हो रही है, 5,000 का चालान कटेगा डायरेक्ट? 5,000 का। पहले आप नोटिस दोगे उनको? ओके, तो ये कितने दिन तक चलेगा सर? अभी जब तक अगला आदेश नहीं आता है, हाँ हाँ, तब तक ये चलता रहेगा। ओके, तो आपका समय कितने बजे तक है सर चालान कटने का? 9-10 बजे तक। मतलब कि लोगों को दुकान नहीं लगाना इसलिए? हाँ, ओके। और जनता को संदेश देना चाहोगे सर? जनता को ये संदेश देना है कि जो अभी जो बाहर निकल रहे हैं। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए नागपुर से दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट।